क्या पढ़ रहे थे? फाइल इनपुट तक हमने देख लिया था लास्ट, है ना? फाइल इनपुट तक हमने देख लिया था लास्ट। अच्छा, फाइल इनपुट से हमें फाइल मिलती कैसे, वो हम बाद में देखेंगे जावास्क्रिप्ट के टाइम पे। लेकिन हमें ये पता चल गया है कि जी हम जब इसको फाइल इनपुट जब लगाते हैं हम ये वाला, तो हमारे पास एक ब्राउज़ का बटन बना हुआ आ जाता है, उसको क्लिक करते हैं तो फाइल सिस्टम खुल जाता है, वहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट होती है। वंस वो फाइल सेलेक्ट हो गई है तो वो फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब वो फाइल को सर्वर पे कैसे भेजना है वो जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, सही है? या उस फाइल के साथ हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, यानी उस फाइल को सर्वर पे भेजने के अलावा भी उसमें कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने चेक करना है कि उसका साइज़ क्या है फाइल का, हमने चेक करना है कि उसका जो है ना वो इमेज है तो कितने पिक्सल बाई कितने पिक्सल की इमेज है, या जो है ना वो उसका कलर प्रोफाइल क्या है। इस तरह की चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे रहते हुए भी बगैर सर्वर पे भेजे हुए, लेकिन ये चीज़ें चेक होंगी जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? वो हमने अभी तक पहुँचे नहीं है वहाँ तक हम। तो अभी जो HTML के अंदर जितना था इस फाइल इनपुट का जो काम वो हमने देख लिया, अब इसको प्रोसेस करने वाला काम जावास्क्रिप्ट और फिर मज़ीद आगे सर्वर पे होगा। अच्छा, सबमिट का जो बटन है इससे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, सबमिट का बटन प्रेस करने से ये फॉर्म का जो सारा का सारा डेटा है वो कहाँ चला जाता है, वो सर्वर पे चला जाता है, ठीक है? तो सबमिशन क्या कहते हैं, हम जब सर्वर पढ़ेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये सबमिशन क्या है। लेकिन सर्वर के बगैर इधर ही रहते हुए, यानी HTML के पेज पे रहते हुए, सबमिट का जो फंक्शनैलिटी है सबमिट की वो क्या है कि जी वो फॉर्म को सबमिट कर दे, फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश हो जाता है, हमें ये दिख जाता है, उससे हमें पता चलता है भाई फॉर्म सबमिट हो गया ये। अच्छा, अभी हम वो वैलिडेशन भी हमने थोड़ी सी पढ़ ली थी लास्ट, तो अगर फॉर्म हमारा वैलिड नहीं होता तो वो सबमिट नहीं होने देता। तो HTML पे रहते रहते जो सबमिट के बटन का काम है वो इतना ही है, ठीक है? वंस हम फिर सर्वर पे पहुंचेंगे तो फिर हम देखेंगे यहाँ से सबमिट करने पे वो सर्वर पे हम कैसे उस वैल्यू को भेजते हैं और वहाँ पे कैसे रिसीव करते हैं। तो हमने सबमिट का जो देखा कि एक तो अगर सबमिट होगा तो पेज रिफ्रेश होगा, पता चल जाएगा सबमिट हो गया, और अगर फॉर्म इनवैलिड होगा तो वो रोक देगा, मुझे सबमिट नहीं करने देगा, ये भी हमने करके देख लिया था आई थिंक। अच्छा, इमेज बटन जो है वो भी असल में सबमिट का बटन है, लेकिन इमेज उस पर लगी हुई होगी, ठीक है? आपको जैसे ये सब्सक्राइब का बटन ग्रीन वाला दिख रहा है, ये असल में एक इमेज है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जी ये एक इमेज है, इसका सोर्स जो है इमेज स्लैश सब्सक्राइब है। अच्छा, हिडन कंट्रोल क्या होते हैं कि कोई भी कंट्रोल ऐसा होगा उसको आप छुपा के रखना चाह रहे हैं, टाइप उसकी हिडन कर देंगे वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ये वाला बटन जो है ये नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक और इनपुट यहाँ पे बना हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अच्छा, ये अब इसको हिडन रखने का क्या मकसद है भाई? अब अगर किसी को हिडन ही रखना है तो उसको फिर लगाने का मकसद क्या हुआ, कोई बताना चाहेगा आप में से अगर किसी ने बुक पढ़ी है? क्योंकि यहाँ बात लिखी हुई है ये साइड पे टाइप हिडन में। मैं कह रहा हूँ ये टाइप हिडन जो लिखा हुआ है, मतलब किसी भी इनपुट को हाइड करके क्यों लगाना है आखिर, यहाँ पे ये ना ये बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन आप में से अगर किसी ने पहले से ये पढ़ा है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आप क्लास में आएँ तो जो हम चैप्टर पढ़ने लगे हैं क्लास में वो आप घर से पढ़ कर आएँ पहले से, ताकि हम उसके आगे की बात करें, बुक में जो बात नहीं लिखी हुई है हम वो वाली बात करें। तो कोई अगर मुझे ये बता पाए कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात की है, या वैसे ही कोई आप अपने जनरल अल्फाज में बता दें कि टाइप हिडन का क्या मसला है ये। हाँ भाई, एनीवन? नो। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है कि भाई ये इस एग्जांपल में एक हिडन भी शो किया है हमने, और उस वो क्या होता है स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, बट जब उसको इंस्पेक्ट करते हैं तो फिर वो नज़र आता है व्यू सोर्स के ज़रिए, राइट क्लिक करके एक व्यू सोर्स आ रहा होता है वेब पेज में, राइट क्लिक करके एक इंस्पेक्ट आ रहा होता है, उन जगहों पे जाकर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा होता है स्टिल। अच्छा, इसके दो तीन वजह हो सकती है इसकी, बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक तो जो इन्होंने लिखा है कि भाई आप कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं उस फील्ड में जो यूज़र को पता नहीं चलेगी, एक एक्स्ट्रा फील्ड होगी उसमें कुछ वैल्यू आप पहले से लिख देते हो आप, ठीक है? आप वैल्यू करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसने नेम, ऐसे नेम लिखा हुआ है, इसी तरह देखें वैल्यू करके लिखा हुआ है, इसमें ये वैल्यू पहले से मौजूद है,
ऐसा ही होता है ना, कोई भी इनपुट बॉक्स होता है उसमें नेम और वैल्यू होती है। अगर ऐसे वैल्यू करके कोई बात लिख दें हम, तो वो इनपुट बॉक्स में पहले से लिखी हुई आ रही होती है। तो एक असल में इन्होंने इनपुट बॉक्स बनाया जिसमें नेम इसको दिया हुआ है और उसको वैल्यू दी हुई है, गलत वो पहले से लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी सर्वर पे सबमिट होगा तो ये भी साथ जाएगा, लेकिन यूज़र को नहीं दिखेगा ये। ठीक है, इसकी कुछ इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन इससे हो सकती है कि जी आप कोई ऐसा फॉर्म आप बना दें कि जो है ना उसमें कोई ऐसा हिडन कोई आप सीक्रेट टेक्स्ट लगा दें जो उसी पेज से सबमिट हो तो आपके सर्वर पे वो टेक्स्ट जाए। अगर कोई अलग से पोस्टमैन वगैरह से उसको हिट करने की कोशिश करे या अब्यूज़ करने की कोशिश करे तो वो ना कर सके। तो इस तरह की आप ट्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल ये कोई अच्छा सिक्योरिटी वो नहीं होगा कि जी वो कोई भी इंस्पेक्ट करके तो वैसे भी देख ही लेगा। आमतौर पर वो देखते ही इंस्पेक्टर में जाके हैं कि ये करके आ रहा है फॉर्म। ठीक है, तो अब ये इन्होंने पता नहीं क्यों छुपा के भेजने वाली की इम्प्लीकेशन आई डोंट नो कि इसके अलावा और क्या होगी। एक और इसका यूज़ केस हो सकता है कि जी कुछ इनपुट है ना बाई डिफ़ॉल्ट हिडन हो, लेकिन जैसे ही आप कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करें या जैसे ही आप किसी चेक बॉक्स पे चेक लगाएं तो वो विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के इनपुट को भी आप क्या करेंगे, बाई डिफ़ॉल्ट हिडन रखेंगे। हाइड करने का तरीका CSS से भी हो सकता है और ये इस तरह भी हो सकता है, दोनों तरीके मौजूद हैं। तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट उसको हिडन रखूँगा, जैसे ही चेक बॉक्स पे चेक लगेगा मैं उसको विजिबल करा दूंगा। ठीक है, लेकिन चेक बॉक्स पे चेक लगने पे किसी चीज़ को विजिबल कराना ये काम जावास्क्रिप्ट से होगा। ठीक है, ये सिर्फ HTML से ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हिडन करके भी कुछ हमने देख लिया। लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल, अच्छा फॉर्म कंट्रोल को अभी तक जो हमने लेबल किया है, कहाँ गया हमारा कोड, कोड मुझे चाहिए दरमियान में, इधर बुक और इस तरफ रिजल्ट। अभी तक हमने जो फॉर्म के ऊपर लेबलिंग की है वो किस तरह से किए, ज़रा एक नज़र डालते हैं उस पर हम। ठीक है, अच्छा लेबलिंग क्या चीज़ होती है कि जी ये फॉर्म के साथ ये यूज़र नेम लिखा हुआ है ना, ये इसका लेबल है। ठीक है, कि जी ये मतलब मिसाल के तौर पे जो मैं नाम लिख रहा हूँ तो एक डब्बा बना हुआ आ रहा है ना, उस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है ऐसा मेंशन। अच्छा, लेकिन उसके साथ अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में भी देखें तो हर खाने के साथ एक बात लिखी हुई होती है कि जी यहाँ पे आपने लिखना क्या है। ठीक है, इस फॉर्म का लेबल लिखा हुआ होता है वो असल में, कि जी नेम, फादर नेम, एड्रेस, NIC नंबर, फ़ोन नंबर, तो ये सारे लेबल्स होते हैं इसके। अब चक्कर ये है, इसको अगर मैं ओपन करूँ कॉपी पास्ट करके, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ रहा है लेबल बिल्कुल सही। ठीक है, लेबल तो सही लिखा हुआ आ रहा है, पता तो चल रहा है मुझे कि यूज़र नेम है जी, ये पासवर्ड है ये जी, वट डिड यू थिंक ऑफ दिस गिग, ये आपका रिव्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जी प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट जॉनर, और इसका लेबल जो है वो रॉक है, इसका लेबल जो है वो पॉप है, और इस वाले गोल डब्बे का लेबल जो है वो जैज़ है। ये तो मुझे दिख रहा है, तो अब इसमें लेबलिंग योर फॉर्म में क्या इसने बात बताई है एक्स्ट्रा। इसने बोला है कि भाई ये जो होगा ना आपका, ये आप लेबल का टैग ओपन करोगे, उसके बाद आप लिखोगे लेबल, उसके बाद आप लिखोगे इनपुट, और फिर आप लेबल का टैग कर दोगे बंद। सही है, अच्छा इससे होगा क्या, इससे होगा ये लेबल जो है ये सिमेंटिक टैग है, सिमेंटिक एलिमेंट है, स्क्रीन पे आपको अब वैसे ही दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन सिमेंटिक डिटेल पता चलेगी जब कोई मशीन आपकी वेबसाइट को आके विज़िट करेगी, तो ये लेबल का जो टैग है ना इससे उसको पता चलेगा कि जी ये जो है ना लेबल है इसका। क्योंकि फॉर्म के अंदर तो पैराग्राफ नोट वर्ड भी लिखे हुए होते हैं एज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो लेबल एग्जैक्टली उस चीज़ पे लगेगा जिस पे आपने लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो हम आके क्या करेंगे, इसको इस पी को हम लेबल में कन्वर्ट कर देंगे। सही है, ये लेबलिंग हो गई मेरे इस फॉर्म की। अच्छा, लेबल करने का एक तरीका और है। अच्छा, अभी तो क्या है कि जी ये पासवर्ड बिल्कुल साथ लिखा हुआ है और इनपुट का इसके डब्बा भी बिल्कुल साथ साथ बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे भी ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे देखें अभी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ये, थोड़ा सा वो पैराग्राफ में मार्जिन होता है तो वो मार्जिन हट गया, वो लेबल के अंदर वो मार्जिन नहीं होता। ठीक है, मार्जिन टॉप थोड़ा सा पैराग्राफ में होता है तो वो हट गया जस्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि जी ये पासवर्ड बिल्कुल साथ में नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास, आप लास्ट क्लास में मुझसे एक दोस्त पूछ रहे भी थे कि जी वो अगर जो है ना, जैसे ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, अब ये पासवर्ड लिखा हुआ है, अब जब मैं यहाँ पे एज लिखूँगा ना, मैं एज लिख भी देता हूँ बल्कि यहाँ पे,
सही, अगर मैं एज लिखूंगा ना तो क्या होगा, ये अंदर धस जाएगा, ये इनपुट बॉक्स मेरा पूरा अंदर धस जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए अल्टीमेटली हम जब CSS पढ़ेंगे अभी कुछ दिन बाद, तो हम ये करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और एज होगा एक डिव के अंदर, और दूसरे डिव के अंदर ये तीनों डब्बे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जी एक डिव में। ठीक है, चलो अभी पैराग्राफ ही कर लेते हैं हम। सही है, एक डिव में क्या होगा, नेम, पासवर्ड और एज, ऐसे तीन होगा एक में। सही है, और एक दूसरा डिव होगा उसके अंदर वो तीनों इनपुट बॉक्सेस होंगे। सही है, इस तरह जो तीन इनपुट बॉक्स है ना, ये तीन इनपुट बॉक्सेस होंगे इस तरह। सही है, अच्छा ये इनपुट ऊपर नज़र आएगा, ये नीचे नज़र आएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, CSS के ज़रिए इनको साइड बाय साइड ला के लगा देंगे, यानी इसको लेफ्ट पे कर देंगे, इसको राइट पे कर देंगे, तो हमारा फॉर्म बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, मसला ये हुआ कि भाई ये नेम तो इधर हो गया और ये नेम का इनपुट ये इधर हो गया, अब इसको ये लेबल कैसे, ये लेबल के अंदर कैसे पैक करेंगे इसको, इसको लेबल के अंदर तो नहीं पैक कर सकते अब। ठीक है, तो इसके लिए, इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे पास लेबलिंग का एक और तरीका मौजूद है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ फौरी तौर पे, उसी वाले पे ही मैं करके दिखाता हूँ। जस्ट मैंने ये एग्जांपल दिखाई है कि किस सिचुएशन में हमें जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे लेबल। ठीक है, लेबल लगाया ऐसे हमने, दैट्स इट। सही है, ये सिर्फ लेबल है ये। अच्छा, इस लेबल के साथ आप देखें फॉर लिखा हुआ है, फॉर में जाके ना मैं एक आईडी पास करूँगा। ठीक है, पास लिख दिया मैंने उसको, और यही आईडी मैं उस इनपुट एलिमेंट को भी दूंगा। ठीक है, आईडी सब लोगों को पता है क्या होती है, आईडी जो है ना किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक हम नंबर दे देते हैं या नाम दे देते हैं, जिस तरह हमारा आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, CNIC नंबर होता है, यूनिक होता है, इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को ना एक आईडी असाइन करते हैं। इस इनपुट एलिमेंट को मैंने आईडी असाइन की है पास के नाम से। ठीक है, तो ये इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, ये आईडी अब मैं किसी और को पास नहीं कर सकता, वैसे तो HTML में एरर नहीं आता, मैं किसी और को भी पास करूँगा तो एरर नहीं देगा ये। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो जो हम जब इंशाल्लाह बाद में हम CSS पढ़ेंगे, तो इसके ज़रिए ना, इस आईडी के ज़रिए मैं किसी भी एलिमेंट पे स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट में इस आईडी के ज़रिए किसी एलिमेंट को मैं उठा सकता हूँ, तो वो ये वाली जो सारी चीज़ें ना, ये सही तरह से परफॉर्म नहीं होंगी। तो आईडी हमेशा क्या होगा, एक एलिमेंट को जो दे दी मैंने, वो किसी और एलिमेंट को मैं नहीं दे सकता। अच्छा, फिर क्योंकि आईडी यूनिक है, तो मैंने लेबल लगाते हुए मैंने कहा कि दिस लेबल इज़ फॉर दिस आईडी, ऐसे मैंने बता दिया। अब ये अभी तो साथ साथ बैठे हैं, अब भले ये एक पेज के ऊपर हो, एक पेज के नीचे हो, वो ये इसको पता चलता रहेगा, सिमेंटिकली इसको पता चलता रहेगा किसी भी ब्राउज़र को, कि जब वो देखेगा ना लेबल, तो लेबल के साथ एक आईडी लगी हुई है, तो इस आईडी से वो उस तक पहुंच जाएगा कि ये किसका लेबल है। ठीक है, तो ये तरीका है, अगर मेरा जो लेबल और इनपुट मेरा अगर अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग डिव में, या बिल्कुल साथ साथ मौजूद नहीं है, तो मैं फिर इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला तरीका भी सही है। तो इन्होंने यहाँ पे देखें दोनों बताया हुआ है, एक तो ये लेबल खोल के लेबल के वो किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप देखें जेंडर के अंदर जो है ना, जेंडर असल में रेडियो बटन है। सही है, जेंडर क्या है, रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन के अंदर ना लेबल बाद में और इनपुट पहले है। सही है, इसमें लेबल पहले था, इनपुट बाद में था, इसमें इनपुट पहले है और लेबल बाद में। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इसमें भी इस पूरे को मैं लेबल में पैक करूंगा तो उसको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, वो फॉर वाला तरीका इस्तेमाल करके दिखाया है कि जी फॉर करके होगा। तो आ जाते हैं मामन हमारे जो ये, मैंने एज को भी लेबल दे दिया। ठीक है, जो टेक्स्ट एरिया है इसको भी मैं लेबल दे सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह दूंगा जैसे मैंने,
ठीक है, टैक्स एरिया को भी लेबल दे दिया मैंने। अब ये जो मेरा इनपुट है ना, रेडियो बटन वाला जो इनपुट है, इसको अगर मैं लेबल देना चाहूँ तो मैं ऐसे दे सकता हूँ इसको भी ना, क्योंकि ये अभी भी साइड बाय साइड ही है, बिल्कुल साथ साथ है एक दूसरे के। ठीक है, लेबल को मैं ओपन करूँगा और लेबल को ओपन करके ये इनपुट और रॉक दोनों को मैं लेबल के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, इस तरह से भी दे सकता हूँ मैं कि जी ये लेबल है, ये इनपुट है और ये रॉक है, इस तरह भी दे सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर इसको लेबल दे दूँ, सही है, और लेबल को मैं फॉर लगा के ना इसकी आईडी बता दूँ। मैंने इसको कह दिया कि जी आईडी इसकी है पॉप, सही है। अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट बहुत छोटा सा है तो इसके अंदर मैंने आईडी पॉप इसको दे दी, कोई इशू नहीं है, मुझे ये देखना भी नहीं पड़ रहा कि यूनिक है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दो वर्ड का बना देते हैं जस्ट टू टेक इट कि ये यूनिक ही रहे हमेशा ना। इसको हम ये कर सकते हैं कि जी सेलेक्ट अंडर स्कोर पॉप कर देते हैं कि जी ये एक सिलेक्शन बॉक्स के अंदर ये पॉप है। ठीक है, एक सिलेक्शन बॉक्स है उसमें पॉप है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास फॉर्म हो या बहुत ज़्यादा सिलेक्शन वाले मेरे पास इनपुट्स हों तो फिर हम क्या कर देते हैं कि फेवरेट अंडर स्कोर सेलेक्ट अंडर स्कोर पॉप कि जी फेवरेट म्यूज़िक सेलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन बॉक्स है उसका पॉप है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा सिलेक्शन बॉक्स होगा कलर सेलेक्ट करने के लिए तो मैं कहूँगा कलर अंडर स्कोर सेलेक्ट अंडर स्कोर रेड, जो भी उसका होगा। तो इस तरह करने से इसको यूनिक रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल अभी ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह करके लेबल दे दिया। अच्छा, सेकंड वाले को मैं किस तरह लेबल दूंगा, इसी आईडी को मैं उठा के थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर दूंगा। पॉप था ना, इसमें क्या है, जैज़। ठीक है, मैंने कहा भाई जैज़। ठीक है, ये यूनिक रखने के लिए तरीका इख्तियार किया जाता है, वरना इसमें कोई मसला नहीं है, आप जो आईडी रखना चाहें मर्ज़ी है आपकी, ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि भाई आप इस तरह करें या जैसे भी करें। ठीक है, नंबर भी यूज़ हो जाता है। यू आर एल में वैसे हम स्ट्रिंग देते हैं ज़्यादातर ना, प्लेन स्ट्रिंग देते हैं, वैसे तो कुछ भी दे सकते हैं आप, नंबर दे सकते हैं। अगर मैं इसमें नंबर लगा दूँ 1 2 3 तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसमें नंबर का इस्तेमाल कम ही होता है। ठीक है, नंबर का इस्तेमाल आईडी में सिर्फ उस वक्त होता है जब हम इसको डायनेमिकली आईडी दे रहे हो ना, फिर हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने 200 एलिमेंट रेंडर किए, उस पर हमने हर एलिमेंट पे कोई आईडी पास करनी है। वेल, अभी वो अभी आगे की कहानी है, वो इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना उसमें आप देखेंगे कि वो हम डायनेमिक आईडी उसको किस तरह से दे रहे होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो मेरा रेडियो बटन जो है या मेरा जो चेक बॉक्स है उसमें जो लेबल है वो ये वाला नहीं है। सही है, वापस आ जाता हूँ मैं इधर, रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें मैंने वो लाइन ब्रेक नहीं लगाया क्योंकि पैराग्राफ तो ब्लॉक एलिमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो रही होती है, अब यहाँ मुझे लाइन ब्रेक लगाना पड़ेगा। सही है जी, अरे इसके बाद भी लगाना पड़ेगा एक। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि रेडियो बटन का जो लेबल है ना वो ये वाला नहीं है। सही है, रेडियो बटन का जो लेबल है वो ये वाला है, ये हमेशा याद रखें। इसी तरह चेक बॉक्स का भी जो लेबल है वो ये वाला है। सही है, ये सिमेंटिक एलिमेंट है, इसका स्क्रीन पे आपको इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, स्क्रीन पे पता नहीं चलेगा कि लेबल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये सिमेंटिक एलिमेंट है, ये सर्च इंजन्स को हेल्प करता है, ये दूसरे आने वाले क्रॉलर को और जो मशीन आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगी जैसा कि स्क्रीन रीडर्स वगैरह, उनको ये हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये कह रहा है कि जी आपके फॉर्म में अगर ना आपका थोड़ा फॉर्म अगर लंबा है, साइज़ में बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को ना मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आमतौर पे एडमिशन फॉर्म होता है कि जी उसमें पहला एक सेक्शन होता है कि जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
कि आप अपना नाम, CNIC वगैरह, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड होता है कि जी आपका जो प्रेफरेंस है एडमिशन के लिए, वो किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, किस कैंपस में लेना है, किस टाइमिंग पे लेना है, या कौन सी क्लास में लेना है आपने एडमिशन। तो ये सेकंड एक ग्रुप हमें देखने में आता है। फिर थर्ड एक ग्रुप देखने में आता है, इस पर लिखा होता है ऑफिस यूज़, कि वो आपने नहीं करना, वो ऑफिस वाले। तो उस तरह से हमें अगर HTML में भी करना पड़ जाए तो हमारे पास ये तरीका मौजूद है, जिसको हम कहते हैं फील्ड सेट और लेजेंड। अच्छा, ये अब मेरे ख्याल है इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड सेट का टैग ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, और उसके बाद ये पहला इसमें एलिमेंट होता है लेजेंड का, और नीचे का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, जैसा वो हम अभी तक देखते रहे हैं। तो ये दो टैग है, इसको आप लगा के देखेंगे तो एग्जैक्टली इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के ग्रुप आपको लेटली देखने को नहीं मिले होंगे, आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, लेकिन इस तरह का जो ग्रुप है वो आपको देखने में नहीं मिला होगा पिछले कुछ अरसे में, रिसेंटली। तो ऐसा क्यों है, ये वाला देखने में क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न ये है कि आम तौर पर ये जो इस्तेमाल होता है ये लंबे फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिल्कुल छोटा फॉर्म अगर होगा, मिसाल के तौर पे अगर 4 या 5 इनपुट बॉक्सेस हैं फॉर्म में, तो उसमें ज़ाहिर है ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। 4-5 इनपुट बॉक्सेस में अगर आप 3-3 का ग्रुप बनाएंगे मे बी, तो वो उसका बनाना नहीं बनाना एक ही बात है, ठीक है। फॉर्म असल में जब लंबा चौड़ा होता है, कम से कम उसमें 8 या 10 इनपुट बॉक्सेस होते हैं, तो वहाँ पर ये लगाना ज़रूरी हो जाता है इस तरह की चीज़। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है कि जी फॉर्म में जो है ना इतना इनपुट रखते ही नहीं है कभी भी, हमेशा जितने भी आप फॉर्म देखेंगे, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, आप उसमें देखेंगे उनका फॉर्म ना 2 या 3 इनपुट फील्ड से ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है। अगर उनको ज़्यादा बातें पूछनी होती हैं तो उसके लिए उनके पास दूसरी स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। जैसे अगर आप फेसबुक पर साइनअप करते हैं, तो फेसबुक पर साइनअप करते हुए आपसे पूछता है फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, या फ़ोन नंबर पूछ लेता है उसकी जगह। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, 4 इनपुट आपसे लेता है वो। 5वां शायद समटाइम वो एक कैप्चा लगा देता है टेक्स्ट के, रोबोट चेक करने के लिए, वो वाली चीज़। वो भी अब ऑब्सोलीट हो गया, वो भी अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, जैसे क्लाउड फ्लेयर वगैरह जैसी आ गई है, वो ह्यूमन चेक कर लेता है, वो उसका इशू नहीं है। तो वो प्लग इन लेवल पे चल रहा होता है, ना कि वो सामने कैप्चा आपसे एंटर करवा रहा हो, ठीक है। वो प्लग इन लेवल पे वो नेटवर्क को इंटरसेप्ट करके वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि ये ह्यूमन है या नहीं है, या माउस की मूवमेंट को देख के कर रहा होता है, ठीक है। तो वो भी अब कैप्चा भी ऑब्सोलीट हो चुका है इस वक्त। तो अब वो 4 आपसे इनपुट लेता है, और उसके अंदर वो ग्रुपिंग की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मज़ीद आपसे डिटेल नहीं लेगा, लेकिन वो लेगा बाद में। ये 4 चीज़ें पूछ के साइन अप हो गया, आप डैशबोर्ड पे आगे खड़े हो जाओगे, है ना। अच्छा, फिर अगला वो आपसे बोलेगा कि यार आप ना अपनी ईमेल वेरीफाई करो, ईमेल पे हमने कोड भेजा है, वहाँ चले जाओ, ईमेल से कोड दे के आओ। जब ईमेल से कोड दे के आप वापस आएंगे ना, तो फिर आपसे वो मज़ीद डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो पहला फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ये लगता है कि यार साइनअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद वो ईमेल वेरिफिकेशन होती है, वो तो एक रूटीन है, वो आप कर लेते हो जाके। तो जब आप वापस आते हो ना, तो फिर आपके पास वो एक डायलॉग बॉक्स खोलता है, जो कि आप कट भी कर सकते हो। अगर आपने वो बात बतानी है अभी तो बता दें, नहीं बतानी है तो आप उस वक्त फौरी तौर पर कट कर दें उसको, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें वो आपसे पूछता है कि जी वेयर डू यू लिव, ऐसे करके एक एक करके सवाल पूछता है, वन सवाल एट अ टाइम। लेकिन आप फौरी तौर पर उसको कट कर दो, नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर में आपसे खुद ही पॉपअप लाएगा कि भाई चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर, सही है, इस तरह करके। हाँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ना वो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देगा कि यार कंप्लीट योर प्रोफाइल, एड फ्रेंड्स, पीपल यू मे नो, ऐसे खोलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इस तरह करके आपसे वो थोड़ी थोड़ी करके सारी डिटेल लेगा, वो एक साथ नहीं लेते आजकल, ठीक है। गूगल पे भी आप साइन अप करेंगे तो गूगल पे साइन अप में भी जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड, या ईमेल और पासवर्ड, ये मांगता है वो, ठीक है। तो वो पूछ के ख़त्म कर देता है, लेकिन वो बहुत सारी डिटेल और भी आपसे लेता है, बाद में लेता है, आहिस्ता आहिस्ता लेता है, आपको पता नहीं चलने देता, ठीक है। अच्छा, अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता, जैसे गूगल और फेसबुक कर रहे हैं ना, 4-5 चीज़ें पूछते हैं और साइन अप कर देते हैं, कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता कि जी 4-5 चीज़ें पूछ के साइन अप ना हो। कुछ केसेस में क्या होता है, आप पूछना पड़ता है, 10-12-15 इनपुट आपको लेने पड़ते हैं। तो वो सूरत में क्या करते हैं कि जो उसको 4-4 में या 3-3 में डिवाइड करते हैं उसको, लेकिन वो इस तरह नहीं करते डिवाइड, ग्रुपिंग करके, यानी सेम पेज पर नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, स्लाइडर लगा देते हैं,
स्लाइडर कह रहा हूँ उसको, बड़ा अच्छा उसका नाम होता है, मैं बोल रहा हूँ स्लाइडर नहीं कहते उसको पहले। तो क्या होता है कि जी वो एक फॉर्म फिल करके और आप ना नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो अगले पेज पे ऐसे वो स्लाइड हो के ना अगले आपको पेज पे ले जाता है, वहाँ पे आप मज़ीद दो चार बात पूछता है आपसे, ठीक है। और वो बात पूछने के बाद वो ग्रीन टिक वगैरह आपको दिखा रहा होता है ऐसे कि लगता है कि आपको हाँ यार सब सही हो रहा है, फिर वो नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो तीसरे पेज पे लेके जाता है, फिर वहाँ पे आपसे दो बातें और पूछता है। तो इस तरह करके जो है वो फॉर्म को शॉर्ट करके आपको दिखाया जाता है ताकि आप उसको आसानी से फिल कर सकें। ये वाला जो काम है ना, ये अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है, ये वाला काम अब आमतौर पर नहीं किया जाता। अच्छा, लेकिन लेकिन जब आप वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं ना, तो असल में जो HTML का कोड होता है, सही है, उसमें यही लगा हुआ होता है, क्योंकि ये सिमेंटिक एलिमेंट है, ये एक सिमेंटिक डिटेल भी साथ साथ कैरी कर रहा होता है कि जी कोई अगर क्रॉलर आता है आपके पास, क्योंकि वो तीन तो अलग अलग पेज यूज़र को दिख रहे हैं ना, तीन अलग अलग पेज है। HTML में तो वो तीनों एक ही है, ठीक है। वो स्लाइडर, अब वो स्लाइडर कैसे बनता है, वो CSS के ज़रिए और JavaScript के ज़रिए उसको बना रहे होते हैं कि जी वो एक फॉर्म को शो कर देते हैं, बाकी दो हिस्सों को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह करके बन रहा होता है, असल में तो HTML में वो एक साथ ही लिखा हुआ होता है तीनों का तीनों। तो मे भी उसके अंदर हम अंदर ये वाला लगा रहे हों, ठीक है। मे भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लगाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लगा दे तो बेहतर है, ताकि वो सिमेंटिक डिटेल रहे कि कोई मशीन अगर मेरी वेबसाइट को आगे रीड करे ना, तो HTML तो उसको सारा साथ में ही दिखेगा, वो शो हाइट तो हम JavaScript के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो जब सारा उसको साथ में दिखेगा तो उसको पता चले कि अच्छा ये तीन ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पे आपको इस तरह का रिजल्ट आमतौर पे अब देखने को नहीं मिलेगा जैसा ये इन्होंने दिखाया हुआ है। अच्छा जी, फॉर्म वैलिडेशन की बात यहाँ पर आ गई है, ये रिक्वायर्ड हमने लास्ट टाइम देख लिया था आई थिंक, ठीक है, रिक्वायर्ड लगा के चेक किया था हमने, सही है। रिक्वायर्ड लगा देने से क्या होता है, जब तक उस फील्ड को हम फिल ना करें वो मुझे सबमिट नहीं करने देता फॉर्म, इस तरह का एरर एक दे रहा होता है। हाँ, रिक्वायर्ड सब में लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी डेट इनपुट ना HTML5 में ऐड हुआ है, तो वो डेट इनपुट इन्होंने बताया, वो भी हमने कल देख लिया था लगा के कि जी वो डेट इनपुट कैसा होता है। MDN पे जाके हमने तमाम तरह के इनपुट्स को एक्सप्लोर कर लिया था। हम यहाँ पे चलते हैं MDN इनपुट, तो हमने ये जो तमाम तरह के इनपुट है ना, ये इस तरह का होगा कुछ डेट इनपुट, ठीक है, ये डेट एंड टाइम इनपुट है। अच्छा, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग दिखेगी, सही है, ये बात मैंने आपको दिखाई बताई थी पहले। तो ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग दिखेगी। अच्छा, इसी तरह ये चूज़ फाइल का ये बटन है, ये जो है सिंपल ईमेल है, ईमेल में देखो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है ईमेल मुझे ये, ठीक है जी। इमेज इनकी ये ब्रोकन आ रही है, इमेज का सोर्स शायद इन्होंने एक्सपायर हो गया इनका। अच्छा, मंथ सिलेक्शन है, ये सिर्फ मंथ सेलेक्ट होगा इसमें, उसके अलावा एक यहाँ पे और आ रहा था वीक सिलेक्शन, ठीक है, ये टाइम सिलेक्शन आ गया हमारे पास, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये वीक सिलेक्शन आ गया कि जी कौन सी वीक को सेलेक्ट करना है। मैंने कहा यार ये वीक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो पूरे साल में मेरे ख्याल है 52 हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं शायद, ठीक है, 52 होते हैं, तो 50 से लेके 52 तक का, या 1 से लेके 52 तक का ना, कौन सा आपको वीक सेलेक्ट करना है। वेल, तो ये वाले जो इनपुट्स हैं ना जितने भी, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिफरेंट तरीके से खुलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो टाइम इनपुट है वो एंड्रॉयड के फ़ोन में जब ये खुलेगा तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से खुलेगा, वो आप सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से खुल रहा होता है ना, टाइम इनपुट ऐसे खुल रहा होता है एंड्रॉयड में, कि जी आप ऐसे करके ना गोल करके आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि कितने बज के कितने मिनट AM PM, ठीक है। इसी तरीके से जब ये आईफोन में खुलेगा तो एक थोड़ा सा और मुख्तलिफ तरीका है जो ये लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ ना मैं आईफोन, सही है, वो कुछ इस तरह से खुलेगा, देख रहे हो इसमें वो चक्री सी होती है, उसको घुमाना टिक 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 आवाज़ भी करता है ये, ठीक है जी। ये टाइम ही खुल रहा है, डेट नहीं खुल रहा,
डेट इनपुट भी इसी तरह होता है बहरहाल इसमें, ठीक है। वो पुराना वाला जो वर्जन होता था जब पहला पहला आया था तो शुरू में ऐसा होता था आईफोन में, अभी इन्होंने थोड़ा सा इसको सही कर दिया, बेहतर कर दिया। वेल एक काम करता हूँ ना, मैं ये यही वाला यूआरएल अपने फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ नहीं नहीं वो जिफ इमेज थी वहाँ। अब नहीं नहीं सही है यार, सवाल करने मजाक नहीं उड़ाया करो। अब जो ये करूँगा वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पे डेट इनपुट आएगी ना, जैसे ये मंथ इनपुट आया, तो ये अब जो हो रहा है ना ऊपर नीचे, ये मैं कर रहा हूँ, सही है। वो वाली जो थी जिफ इमेज थी। अच्छा इसी तरीके से देखो कलर की जो सिलेक्शन है वो आईफोन में कुछ इस तरह खुलती है, ठीक है। और ये वही स्पेक्ट्रम और ये स्लाइडर और ये इस तरह करके ना, तो ये विंडो में अलग खुलेगी जो विंडो की अपनी होती है, एंड्रॉयड में ये अलग खुलेगी जो एंड्रॉयड का ये सिलेक्शन होता है, और आईफोन में ये इस तरह से खुलेगी, ठीक है। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना अपना हिसाब किताब होता है। फिर ये ड्रॉपर है, ये कोने में जो बना हुआ है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो कलर सिलेक्शन के, वो आई ड्रॉप है। ये क्या होता है कि जी स्क्रीन से ही कोई कलर मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो ये कलर सिलेक्शन का पार्ट है इसके अंदर ना। ये विंडोज़ में भी होता है ये कि जी कलर सिलेक्शन का पार्ट होता है, तो आई ड्रॉपर हो गया ये। अच्छा इसमें आप देखें बटन जो है वो थोड़ा इस तरह का इसमें बन के आ रहा होता है, गोल मटोल सा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बनाया है इन्होंने डिव बटन के हिसाब से। अच्छा इसी तरीके से ये मैंने अभी डेट सेलेक्ट की है ना, ये वाली डेट की सिलेक्शन कुछ इस तरह से खुलती है इसमें, ठीक है। ये एयर पे आ गया, ये फेबररी 2023, और जब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये डेट वाली जगह पे आ जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अभी 2030 पे ये घूम रहा है, मुझे जाना है डायरेक्ट 94 में जाना है अगर, तो मैं ऐसे करके 94 पे आ जाऊँगा यूँ, और दोबारा मैं ये 94 जुलाई 94 जो टॉप पे लिखा हुआ रहा है इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ पे देखो एक शेवरॉन बना हुआ है जिससे ये खुलता है और बंद होता है, वो मूव हो रहा है, वो मैं जब उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मूव हो रहा है वो शेवरॉन जो। और यहाँ पे मैं किसी भी मिसाल के तौर पे मैंने 1 जुलाई 1994 पे करके मैंने डन कर दिया, तो ये 1 जुलाई 1994 यहाँ पे ये बन के आ गया, सही है। थोड़ा छोटा इन्होंने डिव बनाया है उसके हिसाब से जब भी वो स्क्रॉल हो रहा है। इसमें एक रीसेट का भी बटन इन्होंने दिया हुआ है, रीसेट करूँगा तो वो आज की डेट पे आ जाएगा। नहीं रीसेट के बटन से आज की डेट पे नहीं आ रहा। अच्छा रीसेट के बटन से वो खाली कर देगा उसको, ये हो रहा है। अच्छा इसी तरीके से जो फाइल इनपुट है, अब फाइल इनपुट में ना देखें जब मैं इस पर दबाऊँगा ना फाइल इनपुट, तो ये जो आईफोन के अंदर जो फाइल सिस्टम है ना वो वाले तरीके से ये खोलेगा, एंड्रॉयड पे दबाऊंगा उस वाले तरीके से खोलेगा, और जब हम अभी हमने इस पर मैक पे और विंडो पे किया था तो उस पर वो कंप्यूटर वाला पूरा खोल रहा था। अच्छा अब देखें इसमें ना आईफोन में इन्होंने क्या किया, वो होता है कि फाइल स्टोरेज अलग होती है और फोटो स्टोरेज अलग होती है, दो अलग अलग होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें ये दोनों ऑप्शन दे रहा है मुझे, चूज़ फाइल और चूज़ फोटो लाइब्रेरी, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो फाइल सिस्टम खोल देगा वो, और अगर फ़ोटो लाइब्रेरी करूँगा तो फ़ोटो खोल देगा, तो मैं किसी भी किस्म की फ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा अगर तो मैंने लगा दिया ना कि एक्सेप्ट और इमेज सिर्फ, तो फिर वो सिर्फ फ़ोटो लाइब्रेरी शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है जी। मंथ इनपुट इसमें हम देख लेते हैं कैसे खुलेगा, मंथ इनपुट इस तरह खुल रहा है, ठीक है बिल्कुल सही खुल रहा है, ठीक है जी। और पासवर्ड इनपुट तो वही होगा, रेडियो बटन भी, लेकिन आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ना थोड़ा गोल मटोल है, ये साइड से थोड़ा ना है किस तरह का कुछ किसमें सर्च इनपुट ये आ गया ना, ये सर्च इनपुट लिखा हुआ है ना। अब सर्च इनपुट में ये देख लो, ये इस तरह से बना हुआ आएगा पहले से। सर्च इनपुट में क्या होता है कि जब आप कुछ लिख रहे होगे ना तो साइड में ये पहले से ही एस्केप का बटन एक दे रहा होता है, तो
अब इसमें तो वो छोटा उन्होंने बॉक्स बनाया तो दिख नहीं रहा सही तरह से। यही सवाल था तुम्हारा? हाँ सही है। असल में मुझे जो समझ आ रहा है ना इनका सवाल, वो सवाल इनका बड़ा अच्छा पूछा है इन्होंने कि जी ये वो सर्च इनपुट तो मैंने लगा दिया, वेबसाइट की टॉप पे मैंने सर्च इनपुट लगा दिया, लेकिन जब मैं उसमें कुछ लिखता हूँ तो वेबसाइट से वो सर्च करके नहीं लाता। सही है, तो वो फंक्शनैलिटी तो आपको अलग से करनी पड़ेगी, वो खुद से बिल्ट इन थोड़ी होगी। मिसाल के तौर पर किसी वेबसाइट के कोने पर मेरा कर्सर गुम, हाँ आ गया कर्सर। अब जैसे मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ और कंट्रोल एफ़ करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TEL, तो ये सर्च करके ये रिजल्ट्स लेकर आ जाता है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। या मैं किसी वेबसाइट पे जाके उसके अपने सर्च बॉक्स में, जैसे कि इनका ये अपना सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैं इसमें लिख देता हूँ इनपुट और एंटर करता हूँ, तो ये रिजल्ट्स लेकर आ जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, या मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि जी IMG, तो ये नीचे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आप कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा खुद से, ये खुद से कैसे होगा, ये खुद से नहीं होगा, ये तो इसके लिए तो बहुत लंबा चौड़ा कोड है। ये तो सर्च एल्गोरिथम बनेगा इसका। दो तीन इसके तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये होगा, यहाँ कुछ लिखो आप तो डेटाबेस में जाए, वहाँ से क्वेरी लिख के वापस आए। नंबर दो ये हो सकता है कि यहाँ कुछ लिखो तो सेम पेज पे वो सर्च कर ले। ठीक है, नंबर तीन तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लिखो आप तो गूगल से सर्च करके रिजल्ट ला के दे दें। इसके कई मुख्तलिफ तरीके हैं, कई अलग अलग तरीक़ों से ये हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे हो। हाँ, तो सेम वेबसाइट पे सर्च करना चाह रहे हो ना, बस अभी इस पर फ़िलहाल उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल बस ये देखो कि वो सही लग गया है तो सेट है। ठीक है, उसके सर्च की फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करने वाली चीज़ अभी हमने सीखी नहीं है यार। स्पेसिफिकली सर्च करना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन वो आई एम श्योर के जिस पॉइंट पे हम जब जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे ना, वो एरे वगैरह तक जब हम पहुँचेंगे और वो स्ट्रिंग के मेथड वगैरह जब हम पहुँचेंगे, तो वो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप खुद बना लोगे फिर ये। ठीक है, मे बी आपको एज असाइनमेंट में ये दे दूँ सर्च वाला कि भाई सेम वेबसाइट पर सर्च कर लो, तो वो आप बना लोगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अभी अगर उसमें पढ़ोगे तो अभी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है जी, डेट इनपुट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जी ये HTML5 में इसको ऐड किया गया, उससे पहले ये मौजूद नहीं था। ईमेल और URL, ये दो चीज़ें। अच्छा, ईमेल और URL इनपुट में क्या होता है जी, कि ईमेल का एक ख़ास फॉर्मेट होता है जिसमें बीच में ऐट द रेट आना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह URL का एक ख़ास फॉर्मेट होता है जिसमें शुरू में HTTP:// आना ज़रूरी है। तो वो चीज़ अगर नहीं होगी ना, तो ये उसको समझता है कि भाई इनवैलिड ईमेल है या इनवैलिड एड्रेस है। ठीक है, ईमेल को वेरीफाई करने के कि ये देखो, एक तो दो तरीके से ईमेल इनवैलिड हो सकती है ना। एक तो इनवैलिड होने का सीन ये है कि उसमें ऐट द रेट ना हो तो वो इनवैलिड है, देख के ही पता चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि वो ईमेल बनी भी ना हो उस नाम से, है ना। ईमेल तो वैलिड है, फॉर्मेट तो उसका सही है, लेकिन वो उस नाम से ईमेल बनी भी ना हो। तो ये जो करेगा ना चेक, वो सिर्फ फॉर्मेट को चेक करेगा, उस नाम से ईमेल बनी भी है या नहीं है ये नहीं चेक करेगा। अच्छा, उस नाम से ईमेल बनी भी है या नहीं है उसकी भी APIs मौजूद हैं, जैसे जीमेल की API मौजूद है कि जी आप वो चेक करते हैं भाई जीमेल इस नाम से एग्जिस्ट करता है कोई या नहीं करता। कुछ थर्ड पार्टी भी APIs मौजूद हैं, मगर वो सारी पेड हैं। आप उस पर ईमेल भेजते हो, आप चेक करते हो कि भाई इस पर वाकई कोई मेल बॉक्स है या नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, वो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। आमतौर पर इसके लिए हम सीधा सीधा वो ईमेल वेरीफिकेशन भेजते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। अगर वो वेरीफाई कर पा रहा है बंदा ईमेल, तो उसका मतलब है उसी का ईमेल है और ईमेल बना हुआ है। अगर नहीं है अगर, तो फिर हम उसको आगे प्रोसीड नहीं करने देते जब तक वो ईमेल वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो हम दोनों पता लगा सकते हैं, लेकिन ये जस्ट वो फॉर्मेट चेक करता है कि जी ऐट द रेट है तो ये कहता है सही है, ऐट द रेट नहीं होगा फॉर्म सबमिट नहीं होने देगा। इसी तरह URL पे भी कोई भी URL दो तरह से इनवैलिड हो सकता है, एक तो उसका फॉर्मेट सही ना हो, तो ये उसमें भी फॉर्मेट को देखता है कि जी HTTP:// है तो ये फॉर्मेट सही है, तो ये उसको सबमिट होने देता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जी वो URL एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको पता लगाने का तरीका ये, उस पर एक रिक्वेस्ट मार के देख लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से ही उस पर हम एक रिक्वेस्ट मार लेते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर देता है, कुछ भी रिस्पॉन्स कर देता है, उसका मतलब है वो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता रिस्पॉन्स तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो
तो दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये सिर्फ फॉर्मेट को देखता है, जो HTML5 की जो वैलिडेशन है। अच्छा जी, सर्च इनपुट भी हम देख चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो है ना ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा फॉर्म्स वाला, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, एक्स्ट्रा मार्कअप्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मार्कअप्स वाला जो चैप्टर है ना, ये मैं आपको इधर क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो फिर आप ये पढ़ेंगे कहाँ से? ये वाला मैं चैप्टर सेक्शन ए को मैं पढ़ा चुका हूँ, सही है। तो उसकी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, वो आपने ख़ुद से देखनी है, ताकि वो दोनों सेक्शन साथ में हो गए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें हम पहले ही जानते हैं, पहले ही हम कर चुके हैं वो वाली चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद है चैप्टर में। टेस्ट होगा ना? टेस्ट नहीं होगा क्या? टेस्ट बस बताऊँगा मैं, नेक्स्ट वीक में ही होगा ये इंशाल्लाह। जो अब मंडे आएगा ना, जो उसको टेस्ट होगा आपका, सही है। आज वेनसडे है ना, अब जो मंडे आएगा ना उसको होपफुली आपका टेस्ट होगा। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा, जीमेल के अकाउंट से लॉग इन करके होगा वो, नॉट अ बिग डील, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और कोई किसी का सवाल है तो पूछ लो भाई जी। हाँ, पीछे क्यों चलते हो भाई? मैंने थोड़ी बोला पीछे चलते, आगे हो जाओ। क्या चीज़? हाँ हाँ नंबर बिल्कुल दिए जाएंगे टेस्ट में। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, वो टेस्ट ख़त्म होते ही आपको वो सामने आपके नंबर लिखा हुआ जाएगा। वो नहीं क्लियर कर पाया क्लास से आउट हो जाएगा, यही होगा और क्या होगा। एलिमिनेट तो भाई ज़ाहिर है करेंगे ना, आप क्विज़ में फेल हो गए तो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये क्विज़ जो है ना बुक से होता है टोटल, बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो उसी में से निकाल के MCQs बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो वो अगर आपने बुक खुद से नहीं पढ़ी ना, तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। नहीं वो तो पढ़ाया है मैंने, वो तो मैंने बात असल में बुक से पढ़ के समझाई है आपको। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि मैं बुक के आगे की बात करता, लेकिन वो आप लोग बुक ही नहीं पढ़ के आते। आज भी मैंने आते ही ना वेरीफाई यही किया सबसे पहले, कि भाई कोई बंदा बुक पढ़ के अगर आया हुआ है तो मैं उससे आगे की बात करूँगा फिर, लेकिन आप बुक पढ़ के नहीं आए हुए। तो खैर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें कर लूँ मैं यहाँ पर, जो बुक में आज तक नहीं आ सकी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे डेमोग्राफिक्स में बताना ज़रूरी होती है, यानी हमारे डेमोग्राफिक्स में मुझे पता है ना हमारे यानी जो सराउंडिंग में जो क्या चल रहा होता है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुक में, ज़ाहिर है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा है, उसने लिखी है बुक, उसको क्या पता है यहाँ क्या चल रहा है। तो वो हमारे कॉन्टेक्स्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी बताना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जैसे कि वो अब वो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीनों में वो अलग अलग दिखेगा इनपुट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपको नहीं पता होगा आमतौर पर ना, तो इसलिए बताना ज़रूरी है वो। तो अब ये वाला चक्कर है। तो भाई टेस्ट होगा, टेस्ट में आपने जो MCQs बेस्ड टेस्ट है वो बुक से टेस्ट है, बुक पढ़नी है आपने, टेस्ट आपने देना है, ठीक है। अगर आप टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो आपको सबको पहले ही पता था। हाँ चप 1 से लेके 8 तक, ये 8 भी शामिल है उसके अंदर, ठीक है। ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था ना कि जो टेस्ट तो यहाँ होता है, हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होता है, सही है जी। और कोई सवाल किसी का? सेक्शन बी का ये ख़त्म हो गया ना आज, इसका वो दो लास्ट का एक पेज है वो पढ़ा के ख़त्म हो जाएगा। ये आपका भी ख़त्म हो गया यार? वो 25-30 सवाल होते हैं, 25-30 सवाल होते हैं आमतौर पे, और बस वो आपने 70% स्कोर करना होता है शायद, यानी पासिंग मार्क जो है वो 70% होता है। तो वो आप जब टेस्ट स्टार्ट होगा ना आपका, तो पहले पेज पे ना वो लिखा हुआ होता है कि कितने क्वेश्चन है, कितने मिनट का टेस्ट है, और वो जो भी छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं वो लिखी हुई होती हैं। तो टेस्ट शुरू होने से पहले ना वो डिटेल ज़रा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वो मिसाल के तौर पे अगर वो 25 क्वेश्चन है और आपके पास 25 ही मिनट है अगर, तो आपको ये पता है कि एक क्वेश्चन एक मिनट में हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन को एक मिनट से ज़्यादा नहीं देना है ना, पता है ना आपको ये बात। अच्छा इसी तरीके से अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है लेकिन 40 मिनट्स हैं आपके पास, तो आपको पता है एक क्वेश्चन को मैं 2 मिनट भी दे सकता हूँ। तो इस चीज़ मेरा ख्याल है बैक नहीं कर सकते उसमें, बैक नहीं कर सकते उसमें, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट। और वो क्वेश्चन वो रैंडमाइज करके खुद ही ला रहा होता है, उनका एक बैंक बना हुआ है क्वेश्चन का, उसमें से वो उठ के आ रहे होते हैं क्वेश्चन, रैंडमली आते हैं, हर किसी के पास अलग क्वेश्चन आते हैं, सही है। ये क्या हो गया?
अलग अलग कैसे, कौन बचेगा? वाह क्या बात है। तो नहीं यार देखो, मसला ये है कि एलिमिनेट करेंगे ना तो फिर अगर सिर्फ मैं बचूंगा तो हम नया बैच लेकर आएंगे ना, दूसरे लोगों को चांस देंगे, जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है उसको हटा देंगे हम, है ना? तो ये वाला चक्कर है। तो लेकिन मुझे उम्मीद अच्छी है आप लोगों से कि आप लोग सर्वाइव कर देंगे, तो बस कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आसान उसके लिए जिसने पढ़ाई की भी है, ठीक है। बुक मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि यार बुक आपने ख़ुद से पढ़नी है। देखो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ये कि हमारे यहाँ ना बुक पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है आमतौर पे, स्कूल से हमारे ये आदत डाली जाती है कि आप आते हैं स्कूल की क्लास में बैठते हैं, आप आगे, आप सब लोगों ने ये टाइम देखा है, मैं भी यहीं इन्हीं स्कूलों से पढ़ा है मैंने। तो वो क्या होता है जी, आप बैठते हैं आके, पहला दिन होता है क्लास में, वो कहते हैं जी आप बुक खोलें, उर्दू की बुक है, या इवन उर्दू में ये हो रहा है, इवन जो हमारी मादरी ज़ुबान है उर्दू तक में ये हो रहा है कि जी उर्दू का ये चैप्टर है पहला, मिसाल के तौर पे कि भाई फ़लाँ लकड़ आड़ा पता नहीं, या वो कोई हाँ कौन सा है, सर सैयद अहमद ख़ान वाला है, सर सैयद अहमद ख़ान का चैप्टर खोला भाई। अब वो कहते हैं कि जी खड़े हो जाओ रीड करो इसको, यही होता है ना, एक पैराग्राफ एक बच्चे ने रीड किया, वो कहते हैं भाई बैठ जाओ, फिर दूसरे को खड़ा करते हैं रीड करो, यहाँ तक तो मामला सही है। रीड करो तक, वालेकुम अस्सलाम। तो उसके बाद कहते हैं जी अच्छा रीडिंग कंप्लीट हो गई आखिर तक, ठीक है, अब टीचर क्या करता है, अगला काम लिखवाना शुरू कर देता है, क्या लिखवाना शुरू कर देता है, क्वेश्चन आंसर। अब वो बोर्ड पर खड़ा होता है टीचर, कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखें आप, वो 4-5 लाइन का वो आंसर एक लिख देता है, बच्चों को कहता है जी कॉपी खोलो फटाफट इसको नोट करो, मैं वरना मिटाना शुरू कर दूंगा मैं, यही होता है ना कि फटाफट लिखो मैं मिटा दूंगा वरना, तो बच्चा वो लिखने से पहले ही मिटा भी देते हैं फिर। तो वो बच्चा ना वो जल्दी 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 उसको लिखता है कॉपी में, और जो है ना फिर तीसरे दिन क्या होता है, उसको याद करके आना होता है ना, उसको याद करके आना होता है। अच्छा इसमें देखने में सब कुछ सही लग रहा है कि जी रीडिंग भी हो रही है, राइटिंग भी हो रही है, स्पीड में भी हो रही है, और तीसरे दिन उसको वो याद भी कर रहा है कि जी वो जो भी पढ़ा है वो उसको पता चल जाए, लेकिन असल में ये पूरा उल्टा उल्टा काम हो रहा है, ये पूरा उल्टा काम हो रहा है। असल में होना ये चाहिए कि चलो रीड आपने करवा लिया बच्चे से, लेकिन बच्चे को आपने वो समझाना था कि ये बात हो क्या रही है इसमें, या बच्चा एटलीस्ट इस काबिल होना चाहिए उस क्लास में बैठने के बाद कि वो उस चैप्टर के आखिर में जो दिए गए 4-5 सवाल है ना, उसका जवाब टीचर को ना लिखवाना पड़े बोर्ड पर, बल्कि अब तो वो लिखने की भी जहमत नहीं करवाते, वो कहते हैं बस निशान लगा देते हैं बुक में कि जी वो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो वो आपका बच्चा इस काबिल होना चाहिए उस क्लास में उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, या उस चैप्टर का ज़ाहिर है वो लेक्चर होना चाहिए, ये तो नहीं सिर्फ आपने रीडिंग करवा दी और दैट्स इट, उसका कोई लेक्चर होना चाहिए जिसमें टीचर एक्सप्लेन करे कि ये बात हो क्या रही है, और अल्टीमेटली आपका बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो जो लास्ट में 5 सवाल दिए गए हैं उन 5 सवाल का जो आंसर है वो खुद से लिख पाए, खुद से उसका जवाब दे पाए, वो उस चैप्टर को देख के या वैसे ही जनरली उसका जवाब दे पाए, है ना, असूलन तो यही होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा। अच्छा उसका नतीजा क्या होता है आखिर में, कि बच्चे की बुक पढ़ने की आदत ख़त्म हो जाती है। अगर टीचर बजाए इसके कि ना वो निशान लगाए कि यार ये पहले सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, अगर टीचर बच्चे को ये बोले कि जी आज हमने ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आपने घर जाके ना ये जो 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन 5 का आंसर लिख के लाना है, और कम से कम 5 लाइन का आंसर होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन का आंसर होना चाहिए, इस तरह की लिमिट लगा के, कि वो कोई बिल्कुल ही एक 1 लाइनर ना लिख कर ले आए बच्चा, ये लिमिट लगा के अगर उसको खुद से वो लिखने के लिए देना, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें क्या होगा, बच्चा उस किताब को फिर पढ़ेगा भी घर जाके आंसर तलाश करने के लिए, और उससे वो बहुत कुछ सीखेगा। हमारे यहाँ आमतौर पर ये ख़त्म हो गया रिवाज, तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए थोड़ा सा बुक से हमने रखा है टेस्ट। क्योंकि देखो भाई गोरा हमसे आगे क्यों है, गोरा तरक्की क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है भाई कि वो बुक को पढ़ता है। आपका आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों के कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार कोई ना कोई वहाँ मौजूद होगा पाकिस्तान से बाहर, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप उनसे पूछें ज़रा फ़ोन करके
कि यार वहाँ का जो स्कूल का बच्चा है या वहाँ का जो कॉलेज का बच्चा है या वहाँ की यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो बुक कैसे करता है, वो क्या करता है बुक के साथ। तो अगर तो वो ऑनेस्ट होगा बंदा तो वो आपको बताएगा कि जी वो ना, नहीं हम क्या करते हैं, पहले पहले तो ये देखें ना हम क्या करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चा 9 में जाने वाला है तो 4 महीने पहले से ही ख़ानदान में आवाज़ लगा दी जाती है कि भाई बच्चा 9 में जाने वाला है, किसी के पास कोर्स पढ़ा हुआ है क्या, ठीक है, तो किसी न किसी के पास वो कोर्स पढ़ा हुआ होता है पूरा, और बेहतरीन कंडीशन में होता है, ज़बरदस्त कंडीशन में। वहाँ से वो कोर्स आ जाता है जनाब, और वो कोर्स आने के बाद जो है ना वो 9 में पहुँचने से पहले बच्चे का कोर्स आके रखा जाता है कि जी 9 में गया बच्चा। अब वो 9 पूरे में पता नहीं क्या करता है उसका, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है वो साल के आखिर में भी। अच्छा, घर से, मेरे घर से तो भाई इंस्ट्रक्शन थी बाकायदा कि अब इसमें ना कोई भी निशान लगाना है तो पेंसिल से लगाना है, पेन से नहीं लगाना, पेन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बुक के ऊपर, ये ना मेरे घर से इंस्ट्रक्शन होती थी ये। और वो साल, अच्छा पेज कोई फटना नहीं चाहिए, कुछ कोई पेज मुड़ना नहीं चाहिए, इस तरह की इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं बच्चे घर से कि जी वो बिल्कुल बुक सही सलामत और ज़बरदस्त रहनी चाहिए। फिर उसको वो जिल्द विल्द लगा के देते हैं ना बच्चे को, एक तो बुक बाइंडिंग बुक वालों ने करके दी है, एक घर से अम्मी करके देती हैं उस पर चिमकी विमकी चढ़ा के, नहीं मतलब आई अप्रिशिएट कि वो चिमकी चढ़ा के देती हैं, अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी भी लगती है बुक को, लेकिन वो उसका जो मिशन होता है ना मेन उस चिमकी चढ़ाने के पीछे, वो ये होता है कि बुक साल के आखिर तक ऐसी ही रहे जैसी ये है। अच्छा, वो नतीजा ये निकलता है उसका कि वो फिर पढ़ने से भी जाती है बुक। भाई बंदा जब पढ़ेगा तो बुक तो टेढ़ी मेढ़ी तो होगी, उसको तो नहीं बचा सकते आप। तो वो बुक भाई उसको सही रखने के चक्कर में ना वो बुक खुलती ही नहीं है पूरे साल, उसमें निशान भी लगता है कोई जो पेंसिल से ही लगता है। और फिर जब वो 9 क्रॉस हो जाता है तो वो फिर रख दी जाती है बुक दूसरे भाई के लिए, क्योंकि दूसरा भाई 9 में आने वाला है अगले साल। अच्छा, अगर कोई दूसरा भाई नहीं आने वाला तो कोई कज़न आने वाला है, उसकी अम्मी ने पहले आवाज़ लगा दी है कि भाई आपका बच्चा 9 में, इसका कोर्स दीजिएगा नहीं किसी को, हमारा बच्चा आने वाला है 9 में, तो वो उधर चली जाती है। उधर भी यही चलता है, फिर सारे बच्चे जब ख़त्म हो जाते हैं ना 9 वाले, पूरे ख़ानदान में जब 9 का कोई बच्चा नहीं बचता, तो वो यानी 5 साल 6 साल वो बुक सर्व करने के बाद, यानी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद ना 4-5 साल, उसके बाद वो वापस बुक स्टॉल में जाके आधे कीमतों में फिर भी बिक जाती है, क्योंकि बुक स्टॉल वाला खोलता है बोलता है ये तो न्यू है। बुक स्टॉल वाला यूँ पलटता है, भाई कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, कोई नहीं फटा हुआ, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे का नाम भी उसने जिल्द पे लिखा था, बुक पे नहीं लिखा था, ठीक है ना, तो वो नाम भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल न्यू है ये बुक, वो आधे रेटों में बिक जाती है। अच्छा, कोर्स चेंज भी नहीं होता आजकल हमारा, बड़े लंबे लंबे अरसे तक कोर्स भी सही रहता है, सेम रहता है। हाँ, इस पिछले 2-3 साल में वो कोर्सेस चेंज हुआ तो सब पागल हो गए कि यार ये क्या हो गया, क्यों, उन्होंने तो 5 साल का प्लान किया हुआ था, बायोलॉजी की बुक 3 दफ़ा चेंज हो गई। उन्होंने बोला ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो पैसे ज़ाया हो गए सारे, फिर 5 ईयर भी संभाल के रखे हुए थे वो भी ज़ाया हो गए सारे। भाई गोरा क्या करता है, गोरा ये करता है बुक जब ख़रीदता है ना वो साल के शुरू में, 6 महीने का सेमेस्टर अगर यूनिवर्सिटी का वो पढ़ रहा है तो शुरू में जो बुक लेगा ना एक, वो 6ठे महीने में इस काबिल नहीं होती कि उसको कोई और पढ़ सके। वो जो ओरिजिनल बाइंडिंग जो होती है ना, हमारे यहाँ तो जो गाबा वगैरह वाले करते हैं वो बड़े फारिक किस्म की बाइंडिंग करके देते हैं, लेकिन जो आप कभी ओरिजिनल कोई बुक लें आप, जैसे वो रॉबर्ट लोफर वगैरह की जो सी लैंग्वेज की बुक है, वो ओरिजिनल बाइंडिंग में अगर आपको मिले तो बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है वो, ठीक है। वैसे भी जो बुक्स होती हैं जो नावल वगैरह होता है आप उसको देखें यार, बड़ी वो तारों से बाइंड हुई भी होती है अंदर से, उसके ऊपर से गत्ता लगा हुआ होता है, तो वो सब तार वार सब बाहर कर देता है बुक, इतनी पतली बुक ना इतनी मोटी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है वो एक एक पेज को जब पढ़ेगा तो पेज मुड़ जाता है कोने से, अगर जब एक एक पेज को बाकायदा पढ़े ना तो पेज कोने से मुड़ जाता है। अच्छा, फिर वो उसी बुक को पढ़ते पढ़ते वो सो भी जाता है, उस पर वो कॉफ़ी भी गिरा देता है, उस पर वो पानी भी गिरा देता है, खाना पीना खा भी रहा है, उसको भी खिला रहा है बुक को भी साथ साथ, ये तो होता है नहीं। इवन अभी मेरे लैपटॉप पर भी आप देखें ना तो आपको कहीं ना कहीं वो डबल रोटी वगैरह कुछ ना कुछ इस पर पड़ी हुई मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी खाता हूँ इसको भी खिलाता हूँ साथ साथ, ठीक है। जाहिर है अब जब खाते खाते बंदा पढ़ाई करेगा तो कुछ तो गिरेगा ना उसके ऊपर, तो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ इस पर गिरता रहता है। जब मैं कुछ केक रस खा रहा हूँ तो वो उड़ के इस पर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर मैं थोड़ा इस पर साफ़ कर देता हूँ। लेकिन तो हमारे यहाँ ये वाला मसला बहुत उल्टा हुआ है, तो आप लोगों की अब जिम्मेदारी ये है कि जी जो हो गया वो हो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन अब आपने बुक पढ़नी है, हाँ अब आपने बुक पढ़नी है,
आपके पास जो है वो कॉलेज वाले एडमिट कार्ड नहीं देंगे यार, ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या करेंगे, लेकिन वो एलिमिनेट करते हैं सरानी में, तो यही होता है एलिमिनेट कर देते हैं वो ना, जो आप टेस्ट में स्कोर नहीं होता वो एक दफ़ा शायद वार्निंग वार्निंग देते हैं, फिर आप लोगों की अटेंडेंस वैसे ही थोड़ी सी आगे पीछे, तो अटेंडेंस का तो सवाल ही नहीं है। खैर वहाँ पे ये होता है सैलानी में कि अगर किसी की अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है ना, और वो अगर स्टिल टेस्ट में पास ना हो सके, तो उसको क्या होता है वो अटेंडेंस की बेस पे उसको एक वार्निंग दे देते हैं कि जी आप अपना स्कोर सही करें वरना आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो अटेंडेंस हो ही नहीं रही है आपकी फ़िलहाल के लिए। अच्छा नहीं, आप तो आते हैं, बाकी लोग थोड़े से जब मौका मिलता है तो आते हैं जब मौका मिलता है तो आते हैं। अच्छा चलो भाई सही है, तो बुक हमने पढ़नी है भाई, बुक पढ़ने के अलावा ना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना ज़िंदगी में हमेशा। लोग बहुत सारे लोग ना आपको बताएंगे कि यार ये ऐसे कर लो बस पैसा ही पैसा। अभी आप रिसेंटली बहुत इस तरह का होता रहा है, मतलब यार ई कॉमर्स में बड़ा पैसा है यार, ई कॉमर्स में आप जाओ उफ पैसा ही पैसा, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, वो जो गए हैं फिर उनको पता चल गया कि कितने कितनी उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है और क्या करना पड़ता है। सही है, फिर आपको वो भी कोई बोलेगा भाई वो तो AI आ गई, तो AI में भाई AI में भी पढ़ाई करनी पड़ती है यार हर में। अच्छा बहुत सारे कुछ अभी तो आपके ये फौजी भी बैठे हैं पीछे भाई सारे आपके ना, तो बहुत सारे लोग ना मेरे जानने वाले वो इस चक्कर में ना उन्होंने पुलिस में और फौज में भर्ती कर ली कि यार वो पढ़ना नहीं पड़ेगा अभी मैं उनको देख के हंसता हूँ तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आप जो फौज में होते हैं उनके अपने अलग कोर्सेज होते हैं, जो 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 मेरे बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में हैं, तो वो उनके अपने कोर्सेज होते हैं यार, जो यानी जो आर्मी में होते हैं उनके अलग होते हैं, वो पाथ फाइंडर वगैरह और वो पता नहीं क्या किया दूसरे, तो वो अपने कोर्सेज होते हैं भाई, पढ़ाई सब में करनी पड़ती है। हाँ वो यहाँ हम इस वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई एक्सेप्टेबल नहीं होती उनके लिए, वो कहते हैं यार ये ऐसे ही है फारिग, और है भी ठीक है, कुछ कर भी नहीं रहे हमारे वाले, तो वो उनके अपने कोर्सेज होते हैं। इवन आप कोई भी ऐसी फील्ड आप देखें ना, आप डॉक्टर देख लें, हर वक्त पढ़ना पड़ता है। मेरी अम्मी डॉक्टर है इसलिए मुझे पता है, हर 2-4 महीने में कोई ना कोई कॉन्गो वायरस आ जाता है, कभी कोई पता नहीं कोई दाना निकल आता है, क्या हो जाता है, तो वो मीटिंग बुलाते हैं, वो अब नया वायरस आ गया जी इसको पढ़ो। अब ये वो नई बुक नहीं, वो उसका कुत्ता बच्चा आता है छोटी बुक को कहते हैं ना किताबचा उसका किताबचा आता है, छोटा बारीक होता है वो मतलब 10-15 पेजेस का होता है वो, तो वो पढ़ के उसका टेस्ट हाथ के हाथ देना होता है। जैसे अभी कोरोना वगैरह आया था बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी, और ये क्या हो गया अचानक, तो मैं तो 6 महीने तक समझ रहा था ये ऐसे ही है, वो आता रहता है बीच में बहुत सारे, इससे पहले वो कॉन्गो आया था, अभी उसके बाद भी कितने 4-5 आए हैं बहुत सारे, तो यार पढ़ना पड़ता है भाई। अच्छा और फिर आपको बोलेंगे कि यार वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई इशू नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई का कोई मसला नहीं है। अभी क्यों नहीं है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो Euro 5 आ गया उसमें इंजन, अभी नया वाला कार्बोरेटर हट गया है, इंजेक्टर आ गया, ये पिछले 5-6-10 सालों में ही हुआ है ना, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, अब कर लो बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है ना वो तो सारी, टायर तो मैकेनिकल है लेकिन बीच में उसके जो है वो EFI है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सारा, तो वो तो यार तरक्की तो हर जगह हो रही है, आप नहीं तरक्की कर रहे वो बात अलग है। अभी मैं बता रहा हूँ ये जो जितने ये बैठे हुए ना डीजल इंजन वाले और पेट्रोल इंजन वाले, इन सब की नौकरियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अभी इस वक्त जो डीजल इंजन बनाता है ना वो महीने के 20 लाख रुपए बनाता है, जेब में डाल के लेके जाता है महीने के 20 लाख रुपए, जो ये डाइवो वगैरह और ये बड़े ट्रक वगैरह जो डीजल इंजन बनाने के जो कारीगर हैं, ठीक है, वो एक इंजन खोलते हैं वो 15-20 दिन में उसको खोलते हैं बंद करते हैं बनाते हैं, चल भाई 20-25 लाख अंदर हो जाता है, समझ रहे हो, तो इस तरह से पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे इन सब की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्यों, वो डीजल इंजन ही ख़त्म हो जाएगा, डीजल इंजन ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी। अभी अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है अपना कि कैसे वो इलेक्ट्रिक को हर जगह लगा दे। एक बुक है बड़ी अच्छी, आप पहले तो मगर ये बुक पढ़ें, लेकिन जब ये पढ़ लें तो एक और बुक है कि टर्निंग ऑयल इंटू सॉल्ट, ये एक बुक है, आप उसको पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि वो क्यों चाह रहा है अमेरिका के ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए सब जगह। तो वो आप देखें, आज से 20 साल पहले उन्होंने ये सोच लिया था कि यार इस तरह का कुछ करना है हमें, तो वो पूरी जान लगा रहा है कि किसी तरह ये पेट्रोल इंजन ये डीजल इंजन सारे ख़त्म हो जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक आ जाए, पूरी जान लगा रहा है, और उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आ रहा है। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनीज हैं उसको सब्सिडीज़ दी हुई है उन्होंने, पैसे उसको दिए हुए कि जी आप करो जो करना है आपको।
सही है। तो भाई ये बहुत तेज़ी से दुनिया आगे जा रही है, हम अगर तेज़ी से आगे नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।